हाँ, हर संडे हमारे यहाँ टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट से आपको फायदा मिला या नहीं मिला? क्वेश्चन वगैरह उस हिसाब से ही पैटर्न बनता था और बॉडी से। नहीं आ रही क्या? क्वेश्चन हार्ड होते थे और ठीक है, और बाकी तो सब ठीक था। चलिए, क्वेश्चन हार्ड होते थे आपने बोला, लेकिन इन क्वेश्चन हार्ड के पीछे का मोटिव आपको क्या लगता है? कि आपको डराना था पेपर से या आपको स्ट्रॉन्ग बनाना था? नहीं, वो डीपली पढ़ाई होती थी सब, तो क्या अगर टेस्ट पेपर टफ है इसका मतलब आपको डिटेल में वो चीज़ समझाई जाती थी ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। नहीं सर, हर संडे टेस्ट होता है, उससे फ़ायदा तो मिला है क्योंकि हमारे तो एनसीईआरटी चलती है, तो उससे आप जो क्वेश्चन देते हो वो तो और हार्ड होते हैं, तो उसको सॉल्व करने से और ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि टेस्ट पेपर जो बनता है ना, वो सिर्फ एक ही बुक से नहीं बनता है, और जितने भी बच्चे आरबीएससी से हैं, वैसे तो अब तो क्या है, सिर्फ जैसे एनसीईआरटी जो बुक है वही आप लोगों के लिए चलती है स्कूल के अंदर, लेकिन मैं आपको शोर के साथ बोलता हूँ एनसीईआरटी से पूरा पेपर नहीं बनता। पेपर का मतलब एनसीईआरटी क्या होती है, बुक बहुत छोटी होती है, उसमें एक टॉपिक दे दिया लेकिन डिटेल अगर आपका उसके अंदर नहीं है तो कहीं कि आपका क्वेश्चन रह जाते हैं। इसका मतलब वो टेस्ट जब हम लोग लेते हैं तो दो तीन बुक को मिलाकर जब हम लोग टेस्ट पेपर लेते हैं, और टेस्ट पेपर लेने से फ़ायदा क्या हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि मेरी कमी का और कौन से पॉइंट्स को हम लोगों को यहाँ पर सीखना है। उसके बाद हम लोग टेस्ट के बाद जो आपका करेक्शन वर्क करवा देते हैं उसमें फ़ायदा मिलता था कि नहीं मिलता था? नहीं सर, उसमें फ़ायदा मिलता था क्योंकि जो क्वेश्चन अगर नहीं हो पाते तो उनका करेक्शन होगा तो बेटर रहता है। करेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री बोले तीनों हुआ था। क्या फ़ायदा मिला आपको करेक्शन वर्क से? जो क्वेश्चन नहीं आते थे उनको मतलब करना वापस, तो उसे फ़ायदा मिला। क्या मिला फ़ायदा, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, फ़ायदा क्या मिला? फ़ायदा तो मिला होगा ऑब्वियसली, टीचर ने अगर किसी चीज़ को आपको करने के लिए बोला है तो फ़ायदा क्या मिला? जो नहीं आता है वो भी मतलब सीख के और फिर लिखना हो गया। बिल्कुल, हम लोग करेक्शन वर्क करवाते हैं यहाँ पर, और करेक्शन वर्क से फ़ायदा क्या मिलता है कि आपने जो गलती की जब आप दोबारा उस क्वेश्चन को करोगे तो डेफिनेटली आपका आपका रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट ही आने वाला, उसमें कमी नहीं होने वाली, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है ना करेक्शन वर्क के लिए।